हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कमेंट सेक्शन जो हमने इंप्लीमेंट किया है वहाँ पर हम एपीआई राउट्स उन पर्टिकुलर फंक्शनलिटी के लिए एपीआई राउट्स कैसे लिख सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमने ये रजिस्ट्रेशन जो हमारा सिंगल इनपुट फॉर्म था उसमें हमने कैसे एपीआई राउट क्रिएट किया था। आज हम देखेंगे कि कैसे हम कमेंट सेक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं एपीआई राउट्स की हेल्प से। तो सबसे पहले बता दूं, मुझे यहाँ पर दो मेथड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो मैं दो अलग अलग राउट से भी मैनेज कर सकता हूँ और एक सिंगल राउट से भी मैनेज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट रहेगी जो इनकमिंग डेटा है, दैट मीन्स यहाँ पर जो यूजर डेटा फिल करके सेंड करेगा, तो उस इनकमिंग डेटा को गेट करने के लिए या फिर उसे सेव करने के लिए मुझे पोस्ट मेथड की रिक्वायरमेंट रहेगी। और सेकंड, यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए हम यहाँ पर जो लिस्ट आइटम की तरह रेंडर कर रहे हैं कमेंट्स, उस कमेंट्स के लिए मुझे गेट मेथड की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आप दो अलग अलग राउट्स भी बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पर एक सिंगल राउट बनाऊंगा और दो मेथड्स उसमें लाइक लॉजिक लगाएंगे हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज करके। अगर पोस्ट मेथड रहेगी तो एक पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट करेंगे और अगर गेट मेथड रहेगी तो अदर कोड एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीएस कोड पर। और यहाँ पर मैं अपने पेजेस फोल्डर में हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक एपीआई फोल्डर है, तो हमें एपीआई फोल्डर के अंदर ही हम एपीआई राउट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे डायनामिक राउट बनाने की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर जब मैं कमेंट फिल करूंगा या डेटा फिल करूंगा और जब सबमिट पर क्लिक करूंगा तो मुझे क्वेरी पैरामीटर में डायनामिक आईडी सेंड करूंगा मैं। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर इवेंट के अगेंस्ट में वो कमेंट मेरा जाएगा, तो मुझे यूनिक आईडी लगेगी इस पर्टिकुलर इवेंट की, तो वो हम क्वेरी स्ट्रिंग में भेजेंगे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर डायनामिक राउट क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फोल्डर को प्रॉपरली स्ट्रक्चर करने के लिए यहाँ पर एक कमेंट्स नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ और उस फोल्डर के अंदर अब मेरा रहेगा डायनामिक राउट जिसको हम बनाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट देकर, और इसको मैं नाम दे देता हूँ इवेंट आईडी। इवेंट आईडी क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इवेंट आईडी ही हमारे जो क्वेरी स्ट्रिंग रहेगी उसमें इवेंट आईडी ही आएगा। इसको हम बनाते हैं एक डायनामिक राउट और इसका जो पाथ रहेगा वो ऐसा रहेगा, ये रहेगा मेरा स्लैश जो मेरा डोमेन नेम है localhost 3000, देन एपीआई फोल्डर के अंदर हम आएंगे, देन कॉमेंट्स फोल्डर के अंदर और यहाँ पर हमारे इवेंट के आईडी आएंगे। तो ये जो रहेगा E1, ये मेरा डायनामिक रहेगा E1, E2, देन E3, जितने भी जो भी इवेंट्स रहेंगे वो। तो ये इस पर्टिकुलर एपीआई राउट का पाथ रहेगा या फिर एंड पॉइंट रहेगा जिसके थ्रू मैं एपीआई हिट करूंगा। तो आइए सबसे पहले इसके अंदर बना लेते हैं हम हमारा हैंडलर फंक्शन जो हमें ऑलरेडी पता है कैसे बनाते हैं, और इस फंक्शन को साथ ही साथ हम डिफॉल्ट एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं ताकि हम बाद में एरर में ना फंसे। और इस फंक्शन में मुझे दो चीज मिलती है और वो दो चीज है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। अब इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर मैंने अभी जैसा आपको बताया कि हमें दो चीजें हैंडल करनी है, एक होता है डेटा को सेव करना और डेटा को गेट करना। तो यहां पर मैं इफ ब्लॉक के अंदर रिक्वेस्ट डॉट मेथड प्रॉपर्टी की हेल्प से आइडेंटिफाई करूंगा कि मेरी मेथड कौन सी है। अगर वो पोस्ट मेथड रहेगी तो हम ये पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर एल्सिफ अगर वो मेथड मेरी रिक्वेस्ट डॉट मेथड अगर वो गेट मेथड रहेगी तो हम ये पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पर हमने सिंगल राउट ही बनाया, आप चाहें तो दो अलग राउट भी बना सकते हैं बट मैंने यहाँ पर सिंगल राउट का कॉन्सेप्ट यूज किया है। अभी अगर आगे मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी वो रहेगी इवेंट आईडी की, वो चाहे मैं इस पोस्ट मेथड के लिए जाऊं या फिर मैं गेट मेथड के लिए जाऊं, क्योंकि पोस्ट में हमारे पास जो डेटा आएगा वो भी मुझे उस इवेंट के अगेंस्ट में सेव करना है, और गेट में मुझे जो डेटा फेच करना है वो भी उस पर्टिकुलर इवेंट के अगेंस्ट में फेच करना है। और हर इवेंट को हम आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे, उसकी यूनिक आईडी से जो हम क्वेरी स्ट्रिंग में पास करेंगे, या जो अभी मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया, तो यहाँ पर हमारे पास /api/comments/E1 या फिर E2, इसको अगर मैं कॉपी कर दूं तो यहाँ पर E2, तो ये जो E1 E2 है ये मेरे पास आएगा क्वेरी स्ट्रिंग में। तो इसको गेट करने का हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, तो अगर मैं चाहूँ तो इसको एक ब्लॉक में भी लिख सकता हूँ, बट हमें दोनों जगह उसकी रिक्वायरमेंट है इवेंट आईडी की, तो मैं उसे बाहर लिखना चाहूंगा। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं इवेंट आईडी, और इसको गेट करेंगे हम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के क्वेरी ऑब्जेक्ट में जाकर, और इवेंट आईडी ये जो नेम यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ उसको गेट करने के लिए वही नाम है जो मेरी फाइल का नाम है, मेक श्योर सेम रहे, केमल केस में रहे, जैसा आपने कैपिटल लिया है वो कैपिटल लेटर है। देन अब सेकेंड चीज आती है मेरी, जब मेरे पास इवेंट आईडी आ जाएगी उसके बाद मुझे यहाँ पर अगर वो पोस्ट रिक्वेस्ट रहेगी तो सबसे पहले आइए पोस्ट का लॉजिक लिखते हैं। तो यहाँ पर हम अपना सर्वर साइड का लॉजिक या फिर सर्वर साइड का वैलिडेशन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और सर्वर साइड का लॉजिक भी डेफिनेटली यहीं पर आएगा। तो सबसे पहले उसके भी पहले मुझे यहाँ पर जो मेरा डेटा रहेगा वो गेट करना रहेगा, डेटा जो मेरा लाइक रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आएगा वो डेटा मुझे एक्सट्रैक्ट करना रहेगा।
जिसमें मेरे पास क्या क्या रहेगा, उस डेटा में मेरे पास रहेगा ईमेल, नेम एंड जो यूर कमेंट में जो यहाँ पर टेक्स्ट यूजर एंटर करेगा वो। तो मुझे तीनों चीजें एक्सेस करनी है, तो वो तीनों चीजें मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं डीस्ट्रक्चर कर लेता हूँ। कहाँ से करूंगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ऑब्जेक्ट से। और डीस्ट्रक्चर आपको ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है, तो मैं यहाँ पर तीन फील्ड्स कौन से एक्सट्रैक्ट करूंगा, फर्स्ट है ईमेल, सेकेंड है नेम एंड थर्ड है टेक्स्ट। मेक श्योर कि ये जो यहाँ पर नाम, जिन नेमिंग कन्वेंशन से आप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ऑब्जेक्ट में से प्रॉपर्टीज, इसी नेम और इन्हीं नामों से हमें वहां अपने फ्रंट एंड से भी फील्ड्स को भेजना पड़ेगा। दैट मीन्स वहां से जो फ्रंट एंड से हम डेटा सेंड करेंगे, उन वैल्यूज की जो रहेगी वो यही नाम रहने चाहिए। तो ये हो गया हमारा डेटा को एक्सट्रैक्ट करना रिक्वेस्ट बॉडी में से। अब बात करते हैं हमारे सर्वर से वैलिडेशन की। एक बेसिक सा वैलिडेशन हमें जरूर लगाना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ईमेल आ रहा है हमारे पास, उस ईमेल में जो ईमेल हमारे पास आ रहा है उस ईमेल में @ है कि नहीं, क्योंकि ये सबसे बेसिक हमारा वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट होता है। सेकेंड चीज हम देख लेते हैं कि जो नेम है वो डिफाइंड है, दैट मीन्स वो अनडिफाइंड तो नहीं है जो मेरा नेम है वो। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो नेम आ रहा है मेरे पास उसको अगर मैं ट्रिम करूँ, दैट मीन्स लेफ्ट और राइट स्पेस अगर मैं रिमूव करूँ, तो उसके बाद वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं बन जाना चाहिए। दैट मीन्स यूजर स्पेस 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 देकर उसे सबमिट नहीं होना चाहिए। और एक और यहाँ पर लगा देते हैं जो है मेरा लास्ट एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए, जो है अगर टेक्स्ट मेरा अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। सेकेंड लगाएंगे हम टेक्स्ट ट्रिम, और इसको भी जब हम ट्रिम करें तो ये भी हमारा जो रिजल्ट आएगा वो एक ब्लैंक स्पेस या फिर ब्लैंक एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। और अगर इस पर्टिकुलर इफ चेक के अंदर मैं एंटर करता हूं तो मैं यहां से रिस्पॉन्स स्टेटस रिटर्न करूंगा, और उस स्टेटस का कोड रहेगा 422, और इसके रिजल्ट पर मैं जेसॉन मेथड कॉल करूंगा, और उसमें मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा जिसमें एक प्रॉपर्टी रहेगी मैसेज, और उस मैसेज की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी इनवैलिड डेटा या फिर इनवैलिड इनपुट। ये हो जाएगा मेरा रिस्पॉन्स सेंड करना, और यहीं से मैं रिटर्न भी हो जाता हूँ। बट अगर मेरा वैलिडेशन सक्सेसफुल रहता है तो इस इफ चेक में हम नहीं जाएंगे, और यहां पर मैं क्या करूंगा कि जो मेरा कमेंट रहता है एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जिसका नाम दे देता हूँ न्यू कमेंट, और उस ऑब्जेक्ट में मैं ईमेल में स्टोर कर दूं, या फिर कहूं तो एक आईडी सबसे पहले हमें लगेगी उस कमेंट की, अगर इन फ्यूचर हम डिलीट फंक्शनलिटी यहां पर ऐड करना चाहे तो आईडी अभी एज ऑफ नाउ मैं दे देता हूं जो करंट डेट रहेगी वो, तो वो मैं न्यू डेट क्लास, और उसमें हम TOISO स्ट्रिंग मेथड यूज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी मेरी यूनिक आइडेंटिफायर उस पर्टिकुलर कमेंट के लिए। देन ईमेल में हम ईमेल दे देंगे वो, अगर आप चाहें तो यहाँ पर उस ईमेल की एंड वैल्यू भी सेट कर सकते हैं, बट अगर आपका जो की है वो सेम है आपके वैल्यू के वेरिएबल से तो हम इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो ये जो ईमेल रहेगा इसमें डायरेक्टली असाइन हो जाएगी वैल्यू। और अब सेकेंड जो है मेरे पास जो की सेट करनी वो है नेम, एंड थर्ड है मेरे पास टेक्स्ट। तो मैं चाहता हूं कि जो मेरे वेरिएबल के नेम है उन्हीं नाम से मेरा की रहे, तो हम डायरेक्टली ऐसे असाइन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा न्यू कमेंट, और इसके बाद मुझे यहां से रिस्पॉन्स सेंड करना रहेगा, और उसका स्टेटस कोड रहेगा सक्सेस, क्योंकि अब हम सक्सेसफुली कमेंट यहां पर गेट कर रहे हैं। दैट मीन्स जो कमेंट हमारे पास आ रहा है उसे हम यहां पर अगर चाहूं तो मैं कंसोल लॉग करा सकता हूं एज ऑफ नाउ, बाद में हम देखेंगे कैसे हम इसे डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो अगर मैं इसे कंसोल लॉग करा पा रहा हूं, दैट मीन्स हमने सक्सेसफुली कमेंट को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, और अब हम रिस्पॉन्स सेंड कर देते हैं 201 स्टेटस कोड जेसॉन मेथड, और इसमें जो मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा उसमें एक प्रॉपर्टी रहेगी मैसेज, और उस मैसेज की जो की रहेगी वो रहेगी एडेड कमेंट, और सेकंड प्रॉपर्टी सेट कर लेता हूं कमेंट, और उस कमेंट में मैं पास कर देता हूं जो मेरा न्यू कमेंट यूजर ने एंटर किया है वो। तो ये चीज हो गई हमारी पोस्ट राउट के लिए। अगर यूजर सबमिट करता है न्यू कमेंट तो हमारा ये पोस्ट मेथड का जो कंट्रोल स्टेटमेंट हमने लिखा है ब्लॉक में ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर उस पर्टिकुलर इवेंट के अगेंस्ट में मुझे जितने भी कमेंट्स हैं उन्हें फेच करना है तो हमें गेट मेथड हिट करेंगे अपने फ्रंट एंड से, और वो इस पर्टिकुलर एल्स ब्लॉक में आएगी। एज ऑफ नाउ मैं यहां पर क्या करता हूं कि एक डमी एरे बना लेता हूं, डमी लिस्ट ऑफ कमेंट्स बना लेता हूं, जो एक एरे रहेगा जिसमें ऑब्जेक्ट रहेंगे, आईडी दे देता हूं उसको मैं C1, एंड ईमेल दे देते हैं कुछ, ईमेल प्रॉपर्टी भी दे देते हैं कार्तिक, एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी भी सेट कर देते हैं जो रहेगी ए फर्स्ट कमेंट फ्रॉम बैकएंड। तो ये दो ऑब्जेक्ट में यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, इसको C2 दे देता हूँ, कार्तिक फुल नेम दे देते हैं मकाती, सेकेंड कमेंट फ्रॉम बैकएंड। तो ये चीज़ हो गई हमारी बैकएंड का डेटा, अभी हम यहाँ पर डमी ले रहे हैं,
क्योंकि अभी हमने देखा नहीं कि इस पर्टिकुलर कमेंट को हम कैसे स्टोर कर रहे हैं, आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि इसे हम डेटाबेस में कैसे स्टोर करेंगे और वहां से फिर गेट करके हम रिस्पॉन्स सेंड करेंगे। बट अभी एज ऑफ नाउ मैंने डमी बनाया है और उसका स्टेटस कोड मैं दे देता हूँ यहाँ पर 200, और यहाँ पर जो जेसॉन मेथड है मेरी वो कॉल कर लेते हैं, जो एक ऑब्जेक्ट रहेगी और जिसके कॉमेंट्स में हम देंगे यहाँ पर जो हमने डमी लिस्ट क्रिएट किया है वो हम यहाँ से सेंड कर देंगे। तो ये चीज़ हो गई मेरी इस पर्टिकुलर हैंडलर फंक्शन में, जहाँ पर हमने एक ही एपीआई राउट यूज़ किया है और एक एपीआई राउट के अगेंस्ट में दो मेथड हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, एक है हमारा डेटा को सेव करने के लिए एंड देन अगेन है सेकेंड वाली जो है वो है डेटा को गेट करने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम कैसे कनेक्ट करते हैं अपने फ्रंट एंड को इस पर्टिकुलर एपीआई राउट से वो देखेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।